नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पांचवें चरण के तहत हो रहे चुनाव में 3 बजे तक लगभग 45% हुआ मतदान। चुनाव के कारण इस दिन तक बंद रहेंगे भारत नेपाल बॉर्डर। बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन तिथि में हुआ विस्तार। आज शाम 6 बजे पटना पहुंचेंगे पीएम मोदी। आईपीएल 2024 में 22 मई को इन दो टीमों के बीच होगा एलिमिनेटर मैच। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पांचवें चरण के तहत हो रहे चुनाव में 3 बजे तक लगभग 45% हुआ मतदान। आज बिहार में पांचवें चरण के तहत हाजीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में मतदान हो रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो शाम के 6 बजे तक चलेगा। अब तक बिहार में इन 5 शहरों में दोपहर के 3 बजे तक कुल वोटिंग 45% हो चुकी है। मधुबनी में 3 बजे तक 43.77%, सीतामढ़ी में 45.19%, हाजीपुर में 44.59%, सारण में 43.13% और मुजफ्फरपुर में 49.99% मतदान हो चुके हैं। इनमें सबसे अधिक मतदान मुजफ्फरपुर में देखने को मिला है। मतदान के दौरान मतदाता काफी उत्साहित थे। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिली। आपको बता दें कि इस चरण में बिहार में कुल 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनके किस्मत का फैसला 95 लाख मतदाताओं के हाथ में है। मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षा ले रहे बच्चों की होगी परीक्षा। शिक्षा विभाग पढ़ने में कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष चला रहा है। अब मिशन दक्ष के तहत विशेष क्लास ले रहे बच्चों की परीक्षा भी ली जाएगी। परीक्षा 21 मई से लेकर 28 मई के बीच में होने वाली है। परीक्षा का आयोजन एक पाली में किया जाएगा, जिसका समय सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक है। परीक्षा के बाद 29 और 30 मई को कॉपियों की जाँच की जाएंगी। इस परीक्षा की कॉपियाँ अपने विद्यालय में नहीं बल्कि दूसरे विद्यालय में जाँच के लिए भेजी जाएंगी, जिससे सही परिणाम सामने आ सके। क्या आपके क्षेत्र में मिशन दक्ष से कमजोर बच्चों में सुधार देखने को मिल रहा है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चुनाव के कारण इस दिन तक बंद रहेंगे भारत नेपाल बॉर्डर। पांचवें चरण के तहत आज बिहार की 5 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। भारत और नेपाल की सीमा को सील कर दिया गया है ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। बॉर्डर पर SSB जवान भी अलर्ट हैं। नेपाल और भारत आने जाने वाले लोगों को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केवल इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस को आने जाने की छूट दी गई है। दोनों देशों के बीच के आवागमन 21 मई की रात तक बंद रहेंगे। साथ ही चुनाव को लेकर हर गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। 21 मई को IIT पटना में होगी दीक्षांत समारोह। मंगलवार के दिन IIT पटना का 10वां दीक्षांत समारोह होने वाला है। इस दौरान टॉपर्स और अन्य 650 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी संस्थान के निर्देशक प्रो TN सिंह ने पटना परिसर में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी है। उन्होंने बताया है कि इस समारोह में मुख्य अतिथि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर N. Kalaiselvi, विशिष्ट अतिथि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड नई दिल्ली के सचिव RK पाठक और IIT पटना के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद देश पांडे, बोर्ड के सदस्य और सीनेट के सदस्य मौजूद रहेंगे। इस शख्स ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पेश की मिसाल। बिहार के औरंगाबाद में एक मुस्लिम शख्स ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। दरअसल औरंगाबाद सदर अस्पताल में एक व्यक्ति का शव पड़ा था और शव के पास बैठी उसकी पत्नी रो रही थी, क्योंकि उसके पास अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। मृत व्यक्ति पटना के मोकामा बख्तियारपुर का रहने वाला था, जिसके इलाज में पत्नी ने सारे पैसे और गहने सब कुछ लगा दिए थे और अब उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे भी नहीं आ रहा था। जब इस बात का पता औरंगाबाद के पठान टोली निवासी सहनवाज रहमान को लगी तो वे महिला की मदद के लिए पहुंचे और सहनवाज ने मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार गया के विष्णुपद में करवाया, जिसके बाद इनके सराहनीय कार्य की खूब चर्चा होने लगी। सीएम नीतीश के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ का दिखा नया रूप। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ अक्सर अपनी सादगी और साधारण रहन सहन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से लोग इनकी तस्वीर को देखकर खूब उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल इस बार एस सिद्धार्थ एक कलाकार का रूप लेकर सामने आए हैं। एस सिद्धार्थ की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वे कैनवास पर रंगों का जादू बिखेर रहे हैं। वे तस्वीर में हर श्रृंगार का फूल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखकर लोग उनके कलाकारी की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अक्सर एस सिद्धार्थ का प्रकृति से भी काफी लगाव देखने को मिलता है।
बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन तिथि में हुआ विस्तार। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस परीक्षा के आयोजन का अधिकृत इस बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दिया गया है। यदि आप भी बिहार के सरकारी या प्राइवेट बीएड कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको बीएड की प्रवेश परीक्षा देनी होगी। बीएड की प्रवेश परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया में विस्तार हुआ है। अब अभ्यर्थी 26 मई बिना विलंब शुल्क दिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 29 मई से 2 जून तक यदि आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको विलंब शुल्क देना होगा। आवेदन फॉर्म में करेक्शन करवाने की अंतिम तिथि 4 जून है। भारत आने के बाद लापता हुए बांग्लादेश के सांसद का मुजफ्फरपुर में मिला आखिरी लोकेशन। भारत आने के बाद बांग्लादेश के एक सांसद अनवारुल अजीम अनार लापता हो गए हैं। जांच के दौरान उनकी आखिरी लोकेशन बिहार के मुजफ्फरपुर में मिली है। सांसद के परिवार वाले काफी परेशान हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूस शाखा से सांसद की बेटी ने मदद की गुहार लगाई है। उनके लापता होने की खबर मिलते ही जब जांच के दौरान लोकेशन चेक किया गया तो आखिरी लोकेशन मुजफ्फरपुर का मिला है। सांसद की बेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संपर्क किया है और फिलहाल उन्हें आश्वासन दिया गया है। सांसद की तलाश अभी जारी है। बिहार में सबसे ज्यादा पंजाब से हो रही शराब की तस्करी। बिहार में शराबबंदी के बाद भी लगातार शराब तस्करों को पकड़ा जा रहा है। बावजूद इसके इनमें अब तक कानून और प्रशासन का कोई भय नहीं है। शराब तस्करी को लेकर हुए एक जांच में पता चला है कि बिहार में सबसे ज्यादा शराब की तस्करी पंजाब से होती है। प्रदेश में जितनी भी शराब की खेप पुलिस की पकड़ में आती है उनमें करीब 46% शराब पंजाब के बने होते हैं। पंजाब के अलावे हरियाणा, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी शामिल है जहां से शराब की तस्करी देखने को मिली है। आपको बता दें, पंजाब से अधिकारियों की एक टीम बिहार आई थी। इस दौरान पंजाब की अलग अलग फैक्ट्रियों में बनी शराब के इन्होंने सैंपल दिखाए। इसके अलावे गिरफ्तार किए गए तस्करों की और अन्य संदिग्ध लोगों की भी इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। पैरोल खत्म होते ही जेल पहुंचे अनंत सिंह। 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पैरोल 19 मई को खत्म हो चुकी है। पैरोल खत्म होते ही अनंत सिंह देर रात बेऊर जेल पहुंचे। आपको बता दें कि 5 मई को पैरोल पर जेल से अनंत सिंह जमीन बंटवारा मामले को लेकर बाहर आए थे। राज्य के गृह विभाग ने उन्हें जमीन संबंधी मामले में ही 15 दिनों का पैरोल दिया था। जेल जाने से पहले अनंत सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि सौभाग्य सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। आप समस्त जनता मालिक हैं, समर्थकों से वादा है बहुत जल्द लौटेंगे। आज शाम 6 बजे पटना पहुंचेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6 बजे पटना आने वाले हैं। पटना आने के बाद वे सुशील मोदी के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने जाएंगे। उसके बाद वे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी बिहार में पहली बार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जाने वाले हैं जहां वे भाजपा के नेताओं से बात कर उन्हें चुनावी टिप्स देंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद समेत और भी कई नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी कार्यालय के बाद पीएम मोदी रात्रि विश्राम के लिए राजभवन जाएंगे। उसके बाद 21 मई को वे सिवान में एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी और बेतिया में एनडीए प्रत्याशी संजय जायसवाल के पक्ष में वोट अपील करेंगे। हिना साहब ने राजद को लेकर कही ये बात। अब लोकसभा चुनाव का छठा चरण 25 मई को होगा। बिहार में होने वाले छठे चरण में सिवान लोकसभा सीट पर भी चुनाव होने वाले हैं। यहां से साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए हिना साहब ने राजद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजद ने साहबुद्दीन को भुला दिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। साहबुद्दीन राजद के संस्थापक सदस्य थे लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी ने उनके लिए शोक सभा तक करने की जरूरत महसूस नहीं की। किसी भी पार्टी के नेता श्रद्धांजलि देने नहीं आए। एक पार्टी में कई तरह के निष्कर्ष और समीकरण होते हैं, इसलिए मैं अपने दम पर चुनाव लड़ रही हूँ। प्रशांत किशोर ने बिहार में रोजगार को लेकर कही ये बात। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोगों ने बताया कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्ग लोग हैं जो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। 60 साल से अधिक उम्र की महिला और पुरुषों के लिए हर महीने 2000 रुपये पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। लोगों से सवाल पूछते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगली बार वोट रोजगार के लिए होना चाहिए कि 5 किलो अनाज के लिए। इस पर लोगों ने जवाब दिया रोजगार के लिए। आगे उन्होंने कहा कि हमारा पहला संकल्प है नाली गली बने या ना बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर आपके घर से जितने लोग बाहर कमाने गए हैं या आपके गांव में जितने युवा बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी मिले चाहे ना मिले, कम से कम 10 से 15 हजार रुपये का रोजी रोजगार बिहार में करके दिया जाएगा।
स्वाति मालीवाल मामले में गिरफ्तार हुए विभव के पिता का बयान आया सामने। स्वाति मालीवाल मामले में बिहार के रहने वाले विभव को गिरफ्तार कर लिया गया है। विभव की गिरफ्तारी के बाद पार्टी जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी को चुनौती दे रही है, इससे अब साफ हो चुका है कि ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कितने खास हैं। विभव केजरीवाल कितने करीबी हैं, इस बात का पता उनके गांव वालों को भी नहीं था। विभव के पिता महेश्वर राय ने कहा है कि विभव ने अपनी निष्ठा और ईमानदारी के बल पर ये मुकाम हासिल किया है। एक समय में आप पार्टी इन्हें राज्यसभा भेजने की सोच भी रही थी, हालांकि इन्होंने खुद ही इसके लिए मना कर दिया था। विभव को लेकर उनके पिता ने कहा है कि जिस तरह से इनके शराब घोटाले मामले में भी पूछताछ हुई थी और ये बेदाग निकले थे, वैसे ही इस मामले में भी ये बेदाग ही मिलेंगे। आईपीएल 2024 में 22 मई को इन दो टीमों के बीच होगा एलिमिनेटर मैच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 22 मई को आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला है। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अधिकतर समय पॉइंट्स टेबल पर सबसे शीर्ष स्थान पर देखने को मिली है। हालांकि आखिरी समय में थोड़ा लय बिगड़ने के कारण वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई। वहीं रॉयल चैलेंजर्स और बैंगलोर को दूसरा स्थान हासिल करने के लिए जीत की जरूरत थी, हालांकि टीम बारिश की वजह से ऐसा नहीं कर पाई और उसे संतोष करना पड़ा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने का नाम है नौशाद रजा, रवि कुमार राम, गुनर शर्मा, नंद कुमार सिंह, सादुल्ला पालवी, अनवर करीम खान, धनंजय कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, ज्ञान्ति कुमारी, वेद प्रकाश सिंह, कृतिका, पूजा कुमारी, राकेश मिश्रा, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच क्या आपके क्षेत्र में चुनाव को लेकर लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।